निरीक्षक आदरणीय श्री देवेंद्र जोशी जी और इस कार्यक्रम के श्रोतागण, आप सबका इस नवीन मौसम में स्वागत है। अभी प्रकृति के एक भीषण ग्रीष्म के प्रकोप से सब लोग जूझ रहे थे, अब उसके बाद वर्षा का मौसम आया है। तो मैं अपनी प्रारंभिक कुछ कविताएं, चार कविताएं प्रकृति और मौसम पर पढ़ना चाहूंगा। पहली कविता है मौसम पर कविता वर्जित। मौसम पर कविता वर्जित। मौसम गर्मी बरसात जाड़ा बसंत। मौसम गर्मी बरसात जाड़ा बसंत, सब पुरानी बातें हुई, आज की सुविधाओं के दौर में इन पर कविताएं रस्म अदायगी है। या फिर लगती किसी गरीब का रोना है, मानो नायक बहुत ही बदहाल है, अभावों से ही परेशान है, अच्छे घर और भरपूर वेतन से वंचित है, इसलिए कभी भी मौसम की परेशानियों पर नहीं लिखते हैं। तकनीकी और आर्थिक विकास ने प्रतिमान बदले हैं, भावनाओं के नए रूप और प्रतिमान भी अब बाजार में है, तोहफों ने भी नई शक्लें अख्तियार की हैं। इस तरह अब बदल गया संसार है। मौसम पर कविता वर्जित, ये भी एक आधुनिक युग की परिपाटी है जो साहित्य में भी दर्ज हो गई है, अन्यथा एक समय में मौसम पर बहुत कविताएं लिखी जाती थी। दूसरी कविता भी प्रकृति पर है। आज कोहरा घना है इसलिए उदासी ज्यादा है। आज कोहरा घना है इसलिए उदासी ज्यादा है, कोई नहीं पास है यादों और तन्हाई के सिवा। कोई नहीं पास है यादों और तन्हाई के सिवाय, कोलाहल और शोरगुल बंद कमरे के भीतर भी चला आता है और यादें भी। यह शोरगुल और यादें और उदास कर जाते हैं। और शोरगुल उफ यही तो सबसे अधिक परेशान करता है, और काफिला यादों का कभी रुकता कहाँ है। स्थिति कोई भी हो, लेकिन जो यादों का सिलसिला है वो जारी रहता है, और मौसम का परिवर्तन या कोई विशिष्ट प्रकार का मौसम उदासी को और बढ़ा देता है। तीसरी कविता भी प्रकृति पर है। प्रकृति और मनुष्य। प्रकृति सदा परिवर्तनशील है, शेष सब प्रवंचनाएं हैं। प्रकृति सदा परिवर्तनशील है, शेष सब प्रवंचनाएं हैं। आदिम युग से मंगल की यात्रा यह भी एक माया है, पृथ्वी से लाखों गुना बड़ा सूर्य और न जाने कितने ग्रह मनुष्य अभी तक पता नहीं लगा पाया है। मनुष्य योनि अर्थात पाप की गठरी, स्वयं के भाग्य का पता नहीं, मनुष्य अजब बौराया है, कितने तंत्र कितने मंत्र आए और गए, क्या मनुष्य पता कर पाया है। सृष्टि के विहंगम दृश्य पर दृष्टि से समझ आया है, यह सब कौन सी माया है, छाया में कहां समझ आता है। रंग अनेकों, चित्र अनेकों, बस सब अपने रंग में बौराते हैं। प्रकृति की लीला, बस सब अपने रंग में बौराते हैं। मनुष्य जीवन का ध्येय क्या है, सत्कर्म है, कृष्ण ने समझाया है। एक कविता अगली, आंसू नरक नहीं होते, एक दिन हम सब चले जाएंगे, इस पर कितने वक्तव्य दिए गए, लेकिन फिर भी हम जीते हैं। एक दिन हम सब चले जाएंगे, इस पर कितने वक्तव्य दिए गए, लेकिन फिर भी हम जीते हैं अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार ही। किसी भी सच्चाई इंसानियत न्याय से ऊपर, राक्षस और मनुष्य की परिभाषा भूलकर करते हैं सारी मनमानियां। ईश्वर है अथवा नहीं यह भी भूलकर, सारे संस्कार और शिक्षाएं भूलकर,
तन की सारी इंद्रियों के सुख को सर्वस्व समझ, तन की सारी इंद्रियों के सुख को सर्वस्व समझ करते रहते हैं सारी कारगुजारियां। यही स्वर्ग और नरक की परिभाषाएं, यही स्वर्ग और नरक की परिभाषाएं गढ़ते हैं हम अपने अपने संसार में, यह ना समझकर कि आंसू नरक नहीं, यह ना समझकर कि आंसू नरक नहीं और सारी हंसी स्वर्ग नहीं होती। ये एक नया दृष्टिकोण दिया है कि अगर आंसुओं में जीवन बीत रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि नरक है, और आप बहुत उपभोग कर रहे हैं तो इसका अर्थ यह नहीं कि वो स्वर्ग है। ये अनुभूति की बात है, और अगर कहीं सृष्टि है, प्रकृति है, तो वो इन सब का आकलन करती रहती है। इसी से जुड़ी हुई ये कविता है, जिंदगी होते हुए मरना। हम इस सच्चाई को भी स्वीकार नहीं कर सकते कि कहीं ना कहीं इस भौतिक संसार में जीवन और मरने के बीच में अंतर है। तो जीवन जीवन जैसा हो अगर नहीं है तो जिंदगी होते हुए मरना। उम्र के इस पड़ाव पर जब, उम्र के इस पड़ाव पर जब चाहा था कुछ अच्छे दिन जीना, उम्र के इस पड़ाव पर चाहा था जब कुछ अच्छे दिन जीना, जीने के कुछ बरस है बाकी, जीने के कुछ बरस है बाकी, मरना बहुत बुरा लगता है। इस जीवन में कई बार मरने और फिर से जी उठने के बाद हसीन सपनों को नहीं समेटा था अभी, ख्वाब पाले हुआ था दिल और आंखें, लेकिन फिसलते लम्हों और अपनों को भी खोते जाना, लेकिन फिसलते लम्हों और अपनों को भी खोते जाना यात्रा और खोज जारी रखने की बाधाएं, यात्रा और खोज जारी रखने की बाधाएं, नए रास्ते बनाने के जोश की कमी में लगता है मौत भरी ही है जिंदगी, नए रास्ते बनाने के जोश की कमी में लगता है मौत भरी ही है ये जिंदगी। जिंदगी के फलसफे सबके अलग अलग होते हैं, दूसरों के सपने हमेशा नामुराद लगते हैं, जिंदगी के फलसफे सबके अलग अलग होते हैं, दूसरों के सपने हमेशा नामुराद लगते हैं, सबके सपने ही जिलाते और चलाते हैं जिंदगी में, अपने अपने सपने ही जिलाते और चलाते हैं जिंदगी में, उन्हें भी खोने के बाद चल पाना कठिन होता है। उन्हें भी खोने के बाद चल पाना, मतलब जीवन का चल पाना कठिन होता है। उत्सव, उत्सवों का एक दौर रहा देश में, तब ये कविता प्रकट हुई। उत्सव, उत्सव भुला देते हैं दुखों को कुछ समय के लिए, उत्सव भुला देते हैं दुखों को कुछ समय के लिए, महा उत्सव अदृश्य कर देते हैं समस्याओं को, उत्सव भुला देते हैं दुखों को कुछ समय के लिए, महा उत्सव अदृश्य कर देते हैं समस्याओं को, ढोल धमाकों की गूंज में दब जाती है भूख की आवाजें, ढोल धमाकों की आवाज की ढोल धमाकों की गूंज में दब जाती है भूख की आवाजें, खुशी के प्रदर्शन का जलजला कायम रखते हैं उत्सव, खुशी के प्रदर्शन का जलजला कायम रखते हैं उत्सव, जाहिर है जो दुखी होंगे वह नहीं मना पाएंगे उत्सव, जाहिर है जो दुखी होंगे वह नहीं मना पाएंगे उत्सव, गमों को भूल पाना कठिन होता है उनके लिए, गमों को भूल पाना कठिन होता है उनके लिए, इस तरह बाहर रहते हैं वे उत्सवों से, उत्सवों के लिए जरूरी होती है रंग बिरंगी पोशाकें, उत्सवों के लिए जरूरी होती है रंग बिरंगी पोशाकें, कितना अच्छा होगा वह दृश्य, कितना अच्छा होगा वह दृश्य जिसमें सब दिखेंगे एक साथ, लिए हाथ में हाथ और कोई गम ना होगा किसी के साथ, नहीं छपवाना होंगे विज्ञापन इश्तहार और समाचार, कितना अच्छा होगा वह दृश्य जिसमें सब दिखेंगे एक साथ, लिए हाथ में हाथ और कोई गम ना होगा किसी के साथ, नहीं छपवाना होंगे विज्ञापन इश्तहार और समाचार उत्सव मनाने के लिए, नहीं छपवाना होंगे विज्ञापन इश्तहार और समाचार उत्सव मनाने के लिए, लोगों की सच्ची की सच्ची खुशी के उस दिन, लोगों की सच्ची खुशी के उस दिन ही मनाया जाएगा एक सच्चा उत्सव, लोगों की सच्ची खुशी के उस दिन ही मनाया जाएगा एक सच्चा उत्सव। जो संपूर्ण वैश्विक और देश का परिदृश्य है उस पर पिछले समय शायद ये यूक्रेन युद्ध के बाद की कविता है,
युद्ध जारी है, युद्ध जारी है, वैसी आग लगी है सारे संसार में, वैसी आग लगी है सारे संसार में, युद्ध जारी है सारे संसार में, वैसी आग लगी है सारे संसार में, युद्ध जारी है सारे संसार में, युद्ध की आंच से झुलस रहे गांव और गलियां, युद्ध की आंच से झुलस रहे गांव और गलियां, लपट आ चुकी घर के भीतर, दहक रहे दिल और जज्बात, वैसियों ने कब्जा लिए हैं दिमाग, सत्ता और सारे ठिकाने, बारूद है उनके विचार, चिंगारियां हैं हमारे दरमियान, खामोशी भी सरीके जुर्म, खामोशी भी सरीके जुर्म, बोलना है गुस्ताखियां, सत्ता छूट न जाए हाथ से, चट्टा सत्ता छूट न जाए हाथ से, घर कितने ही जल जाए इस वैसी ताप से, सत्ता छूट न जाए हाथ से, घर कितने ही जल जाए इस वैसी ताप से, जल उठा जल उठे हालात है, जहां भी जाइए यही हाल है, जहां भी जाइए यही हाल है, खाल ओढ़े हुए इंसान है, वजूद इंसान का मिट रहा अब हर तरफ शैतान है, वजूद इंसान का मिट रहा अब हर तरफ शैतान है, युद्ध जारी है वैसी आग लगी है सारे संसार में। अगली कविता है कविता पर लिखी जाएगी कविता, जितने झंझावात हैं और जितनी उथल पुथल है, जितनी आशा निराशा दुख है, उन सब के बीच में भी कविता, जैसा कहा जाता है कि कविता जिलाती है, यह कविता जीवन में एक प्रकार का एक ऐसा रस घोल देती है कि बहुत उदासी के बाद कविता ही हमको शायद चलाती है। ये जो लोग कविता से जुड़े हुए हैं, मैं भी उसमें शामिल हो गया कि लगता है कि हमको कविता उबार लेती है उन दुखों और निराशाओं से या उन तकलीफों से जो हम प्रतिदिन किसी न किसी रूप में उनका सामना करते रहते हैं, क्योंकि कविता में या तो हम उन अनुभवों को प्रकट करते हैं, उन सारे अनुभवों को कविता के रूप में प्रकट करके हल्के हो जाते हैं, या फिर कोई मौलिक और नया विचार देती है कविता जो जो एक नया संसार बनाती है। लिखी जाएगी कविता, वर्ष भर की थकान उदास बिताए वक्त, वर्ष भर की थकान उदास बिताए वक्त, कई सदमों कई घावों कई के बिछड़ने, जिंदगी कम होने कई हताशाओं निराशाओं कितनी पराजयों कितनी विजयों के भी पराजय में बदल ले, वर्ष भर की थकान उदास बिताए वक्त, कई सदमों कई घावों कई के बिछड़ने, जिंदगी कम होने कई हताशाओं निराशाओं कितनी पराजयों कितनी विजयों के भी पराजयों में बदल ले, शीत की बारिश और कुहासे में दुबके होने, शीत की बारिश और कुहासे में दुबके होने और जीवन से बिल्कुल ऊब चुकने के बाद भी नए साल का उल्लास आएगा, जिंदगी से बिल्कुल ऊब चुकने के बाद भी नए साल का उल्लास आएगा, कोहराम और हलचल के साथ, कोहराम और हलचल के साथ, कुछ खिली अधकिली आशाओं के साथ कि शायद बदल जाए अब कुछ, बाहर आ जाए बदल जाए अब कुछ और आ जाए नए दिन, तब लिखी जाएगी कविता स्वागत में उस अनदेखे समय के। अगली कविता का शीर्षक है बीत गया, दिन बीत गया गुनते गुनते, दिन बीत गया गुनते गुनते, खोए समय और सपनों को कितना वक्त गया हाहाकारों में, दिन बीत गया गुनते गुनते, खोया समय और सपनों को कितना वक्त गया हाहाकारों में, जिंदगी जी ही कहां सही अर्थों में, आया समय भी गुजरेगा अमर्यादित बातों में, आया समय भी गुजरेगा अमर्यादित बातों में, छल कपट और स्वार्थ के झंझावातों में, जिन बातों को कभी नहीं लिया शब्दकोश में, जिन बातों को कभी नहीं लिया शब्दकोश में, उनमें ही गुजरा वक्त जब बेहोशी थी, जिन बातों को कभी नहीं लिया शब्दकोश में, उनमें ही गुजरा वक्त जब बेहोशी थी, सच है सपनों को पाना होता है, सच है सपनों को पाना होता है, बिना अधिक विचारे पालना होता है, वरना सपने खेत में खड़ी फसल के समान, वरना सपने खेत में खड़ी फसल के समान लुटेरे चट कर जाते हैं, यह कहानी है न जाने कितने अपनों की, यह कहानी है न जाने कितने अपनों की, उनके टूटे सपनों और जख्मों की,
जो मर्यादित रहे रिश्तों को पालने में, उनके साथ होते रहे निर्लज व्यवहार, सारे शास्त्र सिर्फ शब्दों और पाठों में है, सारे शास्त्र सिर्फ शब्दों और पाठों में है, श्लोकों के अर्थ सिर्फ मुहावरों में है, वरना सारे धर्मों के होते क्यों होते इतने अनाचार, वरना सारे धर्मों के होते क्यों होते इतने अनाचार। प्रार्थना की मुद्रा में मनुष्य, ये बिल्कुल नई कविता है और शायद भारत में, हमारे देश में जिस प्रकार का जीवन है उसमें ये कविता, मैंने जैसा कहा, अनुभवों से उपजती है। तो हम देखते हैं कि जिस प्रकार का जीवन है उसमें मनुष्य के सामने प्रार्थना एक बहुत बड़ी ताकत या बहुत बड़ी आशा या एक बहुत बड़ी पॉजिटिविटी के रूप में सदा साथ रहती है। प्रार्थना की मुद्रा में मनुष्य, दया प्रेम सहायता करुणा के लिए ईश्वर को पुकारता लाचार मनुष्य, दया प्रेम सहायता करुणा के लिए ईश्वर को पुकारता लाचार मनुष्य इस भरे पूरे संसार में कितना अकेला होता है। दया प्रेम सहायता करुणा के लिए ईश्वर को पुकारता मनुष्य इस भरे पूरे संसार में कितना अकेला होता है, जब संसार में कोई उसकी मदद नहीं कर पाता, जब संसार में कोई उसकी मदद नहीं कर पाता, तब लाचार मनुष्य को ईश्वर का सहारा लेना पड़ता है। इस तरह सारी ताकतें और सृष्टि विवश लगते हैं, एक इंसान की आवश्यकताओं और इच्छाओं के आगे, जब वह पुकारता है ईश्वर को मदद के लिए, सारी दुनिया और मनुष्य बौने हो जाते हैं। शायद यह संबंध मनुष्य और उस परम शक्ति का जिलाता है मनुष्य को और आस दिलाता है जीने का, साहस पूर्वक लड़ने का, उम्मीदें बनाए रखने का। शायद यह संबंध मनुष्य और उस परम शक्ति का जिलाता है मनुष्य को और आस दिलाता है जीने का, साहस पूर्वक लड़ने का, उम्मीदें बनाए रखने का। वरना जीवन दुश्वार होता है मनुष्य का इस संसार में, ईश्वर का अस्तित्व और सृष्टि मानो सुनते हैं पुकार, किसी लाचार मनुष्य की आवाज और करुण पुकार, जिसे कोई नहीं दिला सकता भरोसा, तब पुकारता है मनुष्य अपने ईश्वर को ही। यह रिश्ता सचमुच कितना बड़ा होता है, इस टूट चुके सारे विश्वासों और रिश्तों से भी अधिक घना होता है। जब मनुष्य पुकारता है ईश्वर को या प्रार्थना करता है, तब जो मनुष्य और ईश्वर का रिश्ता है, यह रिश्ता सचमुच कितना बड़ा होता है, टूट चुके सारे विश्वासों और रिश्तों से भी अधिक घना होता है। इस तरह चलता है संसार और मनुष्य जब मनुष्य प्रार्थना की मुद्रा में खड़ा होता है, अगली कविता है अंतर्यामी अविनाशी सृजनहार ईश्वर। एक तरफ हम ईश्वर के सूक्ष्म रूप को या दृश्य रूप को, या भगवान ईश्वर कणकण में है, Almighty is everywhere, इस मान्यता को लेकर चलते हैं, लेकिन आज जो स्थिति हो गई है धर्म की, उस पर शायद ये कविता का जन्म हुआ। अंतर्यामी अविनाशी सृजनहार ईश्वर, कितना अभिमानी हुआ कुटिल मनुष्य, धन संपदा वैभव पाकर हुआ मस्त, अन्याय शोषण तानाशाही का बाना मानो भगवान हुआ साधारण मनुष्य। जो ईश्वर सृष्टि के सर्जक कहलाते उनकी मूर्ति बना मनुष्य उन पर ही आदेश चलाते, मानो हमारा आदेश हम तुमको पुजवाते हैं, प्रसाद चढ़ाते, भोग लगाते, हम ही लीला दिखलाते हैं। सचमुच कलिकाल आया सारी सीमाएं मनुष्य भूल गया, होश ईमान और मर्यादा की सारी सीमाएं लांग गया। ईश्वर कणकण के वासी और अंतर्यामी है, जिनको मनुष्य कहता हम लाए हैं। आओ जाओ मत आओ चले जाओ,
आओ जाओ मत आओ चले जाओ फरमान प्रभु को देता है। सचमुच नास्तिक और दम्भी मद में चूर हुआ, सचमुच नास्तिक और दम्भी मद में चूर हुआ, जनता के धन से उत्सव कर बेहोश हुआ। हे राम हे कृष्ण हे शिव आप जहां भी हो, हे राम हे कृष्ण हे शिव आप जहां भी हो, दिव्य नेत्रों से सब देख रहे हैं, मनुज का उपजार बस प्रभु के वश में है। ऐसा लगता है जो संपूर्ण दृश्य उपस्थित हो जाता है जिसमें जिसमें जो है जनता, उसमें ऐसा लगता है कि मनुज का उपचार बस प्रभु के वश में है, वरना मनुष्य वैसी और सोचता ईश्वर लाचार हुआ। अविनाशी ईश्वर सर्जक और विध्वंसक है, अविनाशी ईश्वर सर्जक और विध्वंसक है, कामी क्षुद्र मनुष्य मर्यादित है, कामी क्षुद्र मनुष्य मर्यादित है, प्रभु का यह आदेश है, कामी क्षुद्र मनुष्य मर्यादित है, प्रभु का यह आदेश है। इन्हीं जीवन की विडंबनाओं पर यह कविता है। कैसे कटेगी, कैसे कटेगी, जो आधुनिक प्रवृत्तियां भी आ गई हैं, कहीं नहीं अब जाना जरूरी, कहीं नहीं अब जाना जरूरी रहा संसार में, कहीं नहीं अब जाना जरूरी रहा संसार में, सब मिलता है घर बैठे बाजार में, कहीं नहीं अब जाना जरूरी रहा संसार में, सब मिलता है घर बैठे बाजार में, सपने फिल्म कहानी कविता उपन्यास, सपने फिल्म कहानी कविता उपन्यास, ऑनलाइन गेम और सारे धंधे, प्रेम दुख सुख अभिलाषा शोक संवेदनाएं सब अब ऑनलाइन है, खुशी और दुख के समाचार, खुशी और दुख के समाचार, संवेदनाएं और व्यापार डिजिटल दुनिया में आपके हाथ में है। पूंजी और टेक्नोलॉजी ने यह नया संसार रचाया है, पूंजी और टेक्नोलॉजी ने यह नया संसार रचाया है, धरती को खंगाल लेने के बाद चांद पर पहुंचाया है, बस पेट भरना कठिन समस्या है। विडंबना, बस पेट भरना कठिन समस्या है, टकसाल में छपे रुपये भी ना मुहैया है, काम और वेतन कैसे मिले बिना रोजगार के, काम और वेतन कैसे मिले बिना रोजगार के, यह आज की सबसे बड़ी समस्या है। क्रिप्टो करेंसी और ऑनलाइन धन के दौर में, क्रिप्टो करेंसी और ऑनलाइन धन के दौर में देसी रुपया भी नसीब न होने की समस्या है। ये जो करोड़ों लोगों की जिंदगी है उस पर है। क्रिप्टो करेंसी और ऑनलाइन धन के दौर में देसी रुपया भी नसीब न होने की समस्या है। प्यार जिससे आए जीवन में बाहर, प्यार जिससे जीवन में आए बाहर, नसीब होना कठिन है ऐसे राज में। जब आधुनिकता है या एक प्रकार का सब कुछ प्रायोजित है टेक्नोलॉजी से या एआई की दुनिया में, तो प्यार जो प्यार की सहजता है या मौलिकता है या निस्वार्थ प्रेम है वो कैसे संभव है, संभव नहीं है ऐसा हम जानते हैं। प्यार जिससे आए जीवन में बाहर, नसीब होना कठिन है ऐसे राज में, अब तक की तो कटी है जैसे तैसे, अब तक की तो कटी है जैसे तैसे, अब क्या होगा, यह एक भारी समस्या है। अब तक की तो कटी है जैसे तैसे, अब क्या होगा, यह भारी समस्या है। अगली कविता है नियति का चक्र। देखिए, अब एक तरफ हम आधुनिकता की बात करते हैं और दूसरी तरफ जो ढांचा हमारा है वो मनुष्य को विवश कर देता है नियति पर विश्वास करने के लिए, भाग्य और प्रारब्ध पर विश्वास करने के लिए, है ना। कर्म प्रधान मनुष्य है कृष्ण कह गए हैं, लेकिन उसके साथ साथ नियति पर, भाग्य और प्रारब्ध पर भी निर्भर रहने की मजबूरी है एक बहुत बड़ी तादाद में जनसंख्या की, लोगों की, हम सब शामिल हैं उसमें। कविता का शीर्षक है नियति का चक्र। जब तक मरते नहीं किसी हादसे दुर्घटना, जब तक मरते नहीं किसी हादसे दुर्घटना, गोली बाढ़ तूफान या भीड़ का हिस्सा होकर, ये जो अभी घटित हुई घटना बिल्कुल ताजी कविता है उसके बाद ही, जब तक मरते नहीं किसी हादसे दुर्घटना, गोली बाढ़ तूफान या भीड़ का हिस्सा होकर, सुरक्षित रहते हैं देश के नागरिक मृत्यु के पहले तक। देखिए, मृत्यु तय है लेकिन उसके पहले भी घटनाएं हो सकती है। जब तक मरते नहीं किसी हादसे दुर्घटना, गोली बाढ़ तूफान या भीड़ का हिस्सा होकर, सुरक्षित रहते हैं देश के नागरिक मृत्यु के पहले तक। मौत इसलिए मानी जाती है नियति, मौत इसलिए मानी जाती है नियति, और जीवन भी नियति, जीवन भी नियति है,
क्योंकि आपके बस में नहीं है, ना कानून, ना न्याय, ना व्यवस्था, ना कोई जो एक कहना चाहिए कि एक एक आदर्श श्रेष्ठ समाज में होना चाहिए, जब मनुष्य उससे वंचित है। तो इसलिए मौत इसलिए मानी जाती है नियति, और जीवन भी नियति, गम और खुशी भी नियति होती है। यह पाठ सोच समझकर इसलिए पहले से ही पढ़ाया जाता है, क्योंकि अधिकार जान लेना गैर जरूरी है, क्योंकि अधिकार जान लेना गैर जरूरी है, अधिकार मांगना खतरा है, अधिकार के लिए सामूहिक संघर्ष द्रोह है, इसलिए अस्वाभाविक मौतें स्वाभाविक क्रिया बना दी जाती है। इसलिए अस्वाभाविक मौतें स्वाभाविक क्रिया बना दी जाती हैं। समय, संसाधन और अधिकार के खतरे कम हो जाते हैं। समय, संसाधन और अधिकार के खतरे कम हो जाते हैं, इससे दोष घटनाओं का होता है, दोष घटनाओं का होता है जिनका जिम्मेदार पता नहीं चलता है। और न्याय में तो सदा से बहुत वक्त लगता है, और न्याय में तो सदा से बहुत वक्त लगता है। अगली पीढ़ी भी उलझ जाती है रोटी पानी के जुगाड़ में, जीवन और मौत, मौत से बचने के उपाय में, फिर नई घटनाएं और दुर्घटनाएं जन्म लेती हैं। इस तरह नियति का चक्र सदा चलता है। अगली कविता का शीर्षक है कविता। कविता का सृजन या जन्म कैसे होता है? गहरी उदासी में नहीं लिखी जाती कविता, गहरी उदासी में कविता नहीं लिखी जाती, कविता लिखी जाती है जोश में, वेदना के साथ कहीं हल्की सी आशा की किरण कविता लिखवाती है, वेदना के साथ कहीं हल्की सी आशा की किरण कविता लिखवाती है, गुस्से और टीस में भी कोई उम्मीद कविता लिखवाती है, अंधेरे में भी रोशनी की आशा लिखवाती है कविता। इस जन्म में न मिल पाने का अफसोस, इस जन्म में न मिल पाने का अफसोस करवाता है कल्पना नए जीवन की, आगोश न हो लेकिन उसके सपने कई भावों को बुन देते हैं कविता में, कविता है जीवन का गीत, कोई संगीत जो फूट पड़ता है गहरे क्षोभ में भी, होशमंद होने पर ही लिखी जाती है कविता, होशमंद होने पर ही लिखी जाती है कविता, संभव नहीं कविता बेहोशी में, जीवन का राग है कविता, उजास की आस है कविता, चिलमन से झांकता कोई नया लिबास है कविता। पुनः इसको पढ़ना चाहूंगा, जीवन का राग है कविता, उजास की आस है कविता, चिलमन से झांकता कोई नया लिबास है कविता। अगली कविता है, जैसे मैंने जिक्र किया था कि चांद के बाद मंगल पर पहुंच गया मनुष्य, उसके बाद भी गरीबी बनी हुई है, यह गरीबी एक स्थायी भाव है, तो उस पर गरीबी, गरीबी का बना रहना संसार में चमत्कार है, गरीबी का बना रहना संसार में चमत्कार है, विकास के चंद्रमा और मंगल ग्रह तक पहुंचने, सरदार पटेल की विशाल मूर्ति बनने, एलन मास्क के खरबपति होने और बुलेट ट्रेनें चल जाने के बावजूद कायम है विश्व में भारत और विश्व और भारत में गरीबी, गरीबी का मुझे सचमुच आश्चर्य होता है और गरीबी का बना रहना चमत्कार लगता है, गरीबी का बना रहना संसार में चमत्कार है, विकास के चंद्रमा और मंगल ग्रह तक पहुंचने, सरदार पटेल की विशाल मूर्ति बनने, एलन मास्क के खरपति होने और बुलेट ट्रेन चल जाने के बावजूद कायम है विश्व, गरीबी से ही कायम है अमीरी। अब गरीबी विद्यमान रहने का भी ये रहस्य है कि क्योंकि गरीबी से ही कायम है अमीरी, सरकारें, वोट और राजनीति, विकास की योजनाएं और संगोष्ठियां, लुभावने नारे और अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं, समाजसेवी और समाजसेवी संस्थाएं, सबके अहम उद्देश्य हैं गरीबों के कल्याण, लेकिन फिर भी गरीबी कायम है संसार में। कहते हैं ये नक्षत्रों के विधान है, पुराने जन्मों के पाप है, इस तरह जारी रहती है पीढ़ी दर पीढ़ी, या फिर नए आ जाते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी, या फिर नए आ जाते हैं गरीब पीढ़ी दर पीढ़ी, या फिर नए आ जाते हैं गरीबों का समुदाय बढ़ाते हैं। ये आज की कविताओं का पाठ भाई देवेंद्र जोशी के आग्रह पर किया, और देवेंद्र भाई भी मुझे प्रेरित करते हैं और मुझे भी अपनी कुछ नई कविताएं सुनाने का अवसर देते हैं, उसके लिए मैं उनका हृदय से आभारी हूँ। उनके मन में जो एक सात्विक भाव है समाज में परिवर्तन का, जो समाज में संस्कृति, साहित्य और श्रेष्ठ आदर्श के मूल्यों को स्थापित करने का, उस मिशन में वह निरंतर सक्रिय है, तो मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। और जो सुधी